सारी समस्याओं का निदान भी सरकार से ही होता है। चुनाव नहीं लड़िएगा, चुनाव लड़ा जाएगा और हम जब चुनाव करीब आएगा तो देखेंगे, पार्टी बनाने की जरूरत होगी तो पार्टी भी बना ली जाएगी। कोई मंच मोर्चा होगा, जनता पार्टी को बनने में कोई देर लगा था क्या? हम आंदोलन किए थे, माहौल बना, एक दिन में जनता पार्टी बन गई, एक दिन में जनता दल बन गया जनता के सवाल पर। वैसे ही हम, पार्टी और वोट मेरी प्राथमिकता नहीं है, मेरी प्राथमिकता है बिहार के किसानों को उनका टेढ़ा मूल्य मिले, जो बिहार भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा पिछले साल इस चुनाव के पहले, 2019 चुनाव के पहले कहा कि किसानों की आमदनी 2020 होते होते दुगनी कर देंगे। तो दुगनी कैसे कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम डेढ़ा लागत डेढ़ा कीमत देंगे, लागत का डेढ़ा। और लाइक माइंडेड लोगों से हमने संपर्क साधना शुरू किया और राजनीतिक दल में जो यहाँ हैं वो बने रहें। अगर दल उनको ये समझता है कि दल विरोधी काम कर रहे हैं, अगर इसको वो झेल सकें कि पार्टी उनको कहती है कि तुम मत करो, और अगर वो सोचते हैं कि न करें तो लौट जाएं, और अगर पार्टी उनको कार्रवाई करे उस हद तक भी अगर वो हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रहें। हम संघर्ष के आदमी हैं, हमने बराबर अपनी राजनीतिक जीवन संघर्ष से शुरुआत की है। 1970 से यूनिवर्सिटी में हम लड़े, यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हुए, फिर हमने छात्र आंदोलन की बुनियाद रखी 74 में, जिसका नेतृत्व आगे चलकर जयप्रकाश नारायण जी ने किया, और उस आंदोलन से एक नई जमात बनी। तब हमने नहीं सोचा था कि हमको चुनाव लड़ना है या कोई पार्टी बनानी है, हमको बुनियादी सवाल पर, हमने उस वक्त जो बुनियादी सवाल थे हमने लड़ाई शुरू की। आज हम जीवन के इस बचे हिस्से को हम बर्बाद नहीं जाने देना चाहते हैं किसी दल की या नेता की चापलूसी या चाटुकारिता करके कुछ पाने की लालसा और महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है। और आज मैं ये महसूस करता हूँ कि दल 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 हो गया है, और दलों की हालत ये है कि एक एक व्यक्तियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं। हम बहुत लंबे दिनों के बाद आप लोगों को निमंत्रण दे के बुलाया है कुछ कहने के लिए। अक्सर हम मुलाकात होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। आज एक विशेष तात्पर्य से इसलिए बुलाया है कि आप लोगों के भी मन में होगा, बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि उनसे मिलते पूछते कि हमारी राजनीतिक गतिविधि क्या हो रही है। राजनीतिक गतिविधि के बारे में आप लोगों को जानकारी भी हो गई होगी कि हमने ये महसूस किया कि जो अभी वर्तमान राजनीति है और राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों के तरफ से आम जन के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आवाम के पीड़ा देने वाले मुद्दे हैं या उनके लाभ के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई दल सही ढंग से या ईमानदारी पूर्वक कोई काम नहीं कर रहा है राजनीतिक दल में। और स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग कहता है कि जो खर्च है किसानों के धान में, गेहूं में, बाजरा में, अरहर में, मकई में, गन्ना में, उस लागत का डेढ़ा मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, जिसको सिद्धांता राज और केंद्र सरकार ने मान लिया। डेढ़ा का मतलब होता है अगर 1000 क्विंटल धान पैदा करने में 1000 रुपये में 1 क्विंटल धान गेहूँ धान पैदा होता है, उसका डेढ़ा मिलना चाहिए। अगर 1000 खर्च हो गया हमारा तो हमको डेढ़ा 1500 मिले, 1500 खर्च होता है तो 2250 मिले, अगर 2000 खर्च होता है तो 3000 रुपये मिले, तब होगा मुनाफे की खेती, तब किसानों के चेहरों पर हरियाली आएगी। लेकिन सिर्फ मूल्य दर तय कर देने से नहीं होगा,